दोस्तों, आपके फ़ोन के अंदर एक छुपा हुआ सेटिंग है जिसको आप चालू कर देते हैं ना, तो आप अपने जो फ़ोन है आपका वो चोरी होने से आप बचा सकते हैं। ऐसा वो क्या सेटिंग है, चलिए आपको बताते हैं। और फ़ोन अगर चोरी हो भी गया तो आपको ना फ़ोन को पकड़ने का मौका आपको मिलेगा तब तक जबकि आपके मोबाइल का बैटरी रहेगा। अगर आपके मोबाइल का बैटरी आधा भी है, 50% भी है, तो समझ लीजिए आपका फ़ोन तो 24 घंटे चालू रहेगा और वो फ़ोन में कुछ कर भी नहीं पाएगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे हम ऐसे में अपने मोबाइल को बचा सकते हैं चोरी होने से, वो क्या सेटिंग है। देखिए, आपके फ़ोन के अंदर जो नॉर्मली है, सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मिलता है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग को चालू करना है। तो इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए डिवाइस लॉक है, यहाँ पे जाइए स्क्रीन लॉक पे जाइए और अपना पैटर्न या जो पासवर्ड आपने डाला है उसको डालिए। अब दोस्तों, ये छुपा हुआ सेटिंग ना रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस या रेडमी में भी आपको मिल जाएगा, सैमसंग में भी मिलता है। बस आपको सेटिंग शायद एक सेटिंग से दूसरे सेटिंग में ऐसे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती है, रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। अभी यहाँ पर देखेंगे, ये इसके अंदर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको दिखता है रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ। इसको जब आप चालू कर देते हैं तो फिर आपको अपना पैटर्न आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। अब मेरा फ़ोन अगर चोरी हो जाता है, फ़ोन तो ऑब्वियसली लॉक रहता ही है ना, तो अब यहाँ पे कोई भी लॉक कर फ़ोन को अगर बंद करने की कोशिश करेगा ना तो बंद होगा ही नहीं। ये आप देख लो, अभी ये आप देखो, मैं यहाँ पे बंद करने की कोशिश करूँगा, ये बंद ही नहीं होगा। ये बंद करने के लिए भी पासवर्ड मांगेगा। मैंने ये दबाए रखा और पावर बटन नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए आ गया। अब मैं इसको बंद करने की कोशिश करूँगा ना, अभी फ़ोन तो खुला हुआ था, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करने की कोशिश करूँगा, ये देखिए मैंने पावर ऑफ किया कि पास ये बंद ही नहीं होगा। फ़ोन बंद होने के लिए पासवर्ड चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके पास मौका रहेगा कि आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। अब जो आप जिसको कि आप गूगल अकाउंट बोलते हैं उसको प्रयोग करके आप ट्रैक कर सकते हैं, तो इससे आपको मौका मिलेगा। आप ट्रैक कैसे करना है, अब देखिए ये हमारा जो फ़ोन था ना, बस मैंने इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। ये एप्लीकेशन जो है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे बिना एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए किसी के भी मोबाइल से अपना जीमेल डाल के आप ट्रैक कर सकते हो। बस मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे अपना डाल देना है। जैसे ही पासवर्ड डाल के ये ओके करोगे ना, आपको ये फ़ोन इस तरह से दिख जाएगा। टर्न ऑन ये कह रहा है करने के लिए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आइएगा। अब कौन से फ़ोन को ट्रैक करना है उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। मैंने दूसरे फ़ोन को भी इस तरह से ट्रैक करने की कोशिश की, ये देख सकते हैं ये एग्जैक्ट लोकेशन, अभी भी ये जो है ना कनेक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बस टाइम ले रहा है वो। ये देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा रिफ्रेश करने में, और हमारा फ़ोन इस तरह से प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ये हमें लोकेशन जैसे कि आपका जो है वो दिख जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे है। हम मैन्युअली भी जूम कर सकते हैं, या तो आप ऑटोमेटिक जब रिफ्रेश पे क्लिक करते हो ना तो ये आपको पता चल जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा सेटिंग है। ये देख सकते हैं जो मेरा विलेज है, जो मेरा एरिया है, वहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से दिख गया। तो बहुत ही ये अच्छा फीचर है, सबको ये ट्राई करना चाहिए। और इसमें आपका बैटरी भी बता देता है कि आपके फ़ोन का, जैसे यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिवाइस लोकेटेड, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है। ये देखिए मैंने इसी को ट्रैक किया, ये देखिए डिवाइस लोकेटेड आ रहा है, इसका मतलब कि फ़ोन ट्रैक हो चुका है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन को आप ढूंढ सकते हैं आसानी तरीके से। और उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे और वो अपने फ़ोन खोने पे वो अपने फ़ोन को सेफ्टी तरीके से ट्रैक कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। और कमेंट में आपको लिख देना है बेस्ट ट्रिक, या तो आपको लिख देना है
खोए हुए फ़ोन को ढूंढें, इस तरीके से कमेंट में लिख देना है, और अपने मोबाइल का भी नाम लिख दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक एक्स्ट्रा सेट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब इसके बावजूद आपका ये ट्रैक करने में अगर दिक्कत हो तो आप पुलिस कंप्लेन अपने फ़ोन का बिल IMI नंबर को लेके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, और पुलिस कंप्लेन जब आप करते हैं तो हो सकता है आपका फ़ोन 2 महीने बाद मिले या 6 महीने बाद मिले, लेकिन आपके फ़ोन की मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ कैसे और यूजफुल वीडियो के साथ।